हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भरवा भिंडी बनाना बता रही हूँ। इस भिंडी को कैसे बनाते हैं चलिए आइए बताते हैं। मैंने ये भिंडी ली है और इनमें इस तरह से मैंने चीरे लगा लिए हैं। ये इस तरह से मैंने चीरे लगा लिए हैं इसमें। ये इस तरह से चीरे लगाएंगे और इनका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। ये मैंने मसाला तैयार किया है। ये मिर्ची ये मैंने इस चम्मच से लिया है सर। ये इस तरह की चम्मच है, इससे मैंने 2 चम्मच मिर्ची, 2 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार आप नमक डाल सके। मैंने 2 चम्मच के करीब नमक लिया है। ये करीब आपके 5-6 चम्मच होगा, जो आपको मैंने पहले चम्मच बताई थी वो 5-6 चम्मच है। ये 5-6 चम्मच है बेसन। अब मैं इसको कढ़ाई में भून लूँगी थोड़ा सा तेल डालकर, और सुनहरा होने तक भूनकर मैं इसको इस मसाले में मिला लूँगी। इन मसालों को एक साथ मिला के और ये तैयार करूँगी। ये मैंने गैस जला ली है, सिम पे है, और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब तेल डालूंगी। जब हमारी कढ़ाई एकदम बढ़िया सूख जाती है जो इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे जिसमें हम बेसन को भूनेंगे। ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है क्योंकि हमें बाद में वो भी डालना पड़ेगा जब हम इसको सूखी सब्जी बनाएंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा डाल दिया है, तेल हमारा आ चुका है बढ़िया। अब इसमें मैं बेसन डालूंगी। देखिए मैंने कढ़ाई में बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा तेल डालने के बाद उसमें राई डाली। राई डालने के बाद मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन को मैं हल्का हल्का चलाती रह रही हूँ बीच में। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इस मसाले में मिक्स कर लूँगी। बेसन को हमें हल्की आँच पे ही जो सिम गैस करके ही इसको पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा और ब्राउन हल्का ब्राउन सुनहरा हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे गैस। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसन भुन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे, या फिर कढ़ाई के अंदर इन मसालों को डाल लेंगे सारों को और इस बेसन के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। गैस वाली बंद कर दी है। ये जो सारे मसाले थे वो मैंने बेसन के अंदर मिक्स कर लिए हैं और चम्मच से मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैं ये थोड़ी सी हींग डालूँगी, ये मैं इसमें डाल दी हमने, और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब जो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसको मैं ये जो कटी हुई हमारी भिंडी थी जो हमने इसमें ये कट लगाए थे, चीरे लगाए थे, इनके अंदर इस मसाले को भर लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मसाला लिया और ये कट जो है ऐसे रखा और इसको इसके अंदर ऐसे भर दिया। दबा के भरना पड़ेगा हम मसाले को, नहीं ये निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारी भिंडियाँ तैयार कर ली है। ये इस तरह से मैंने सारी भिंडी तैयार कर ली है और अब मैं इसमें कढ़ाई में तेल रखूँगी और इसको बनने के। ये फ्रेंड्स मैंने सारी भिंडियाँ इसमें डाल दी है और मैंने इसको चम्मच से हिला लिया है जैसे हल्के हाथों से हिलाने, नहीं तो क्या ये सारा मसाला वहाँ निकल जाएगा। हल्के हाथों से आप बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में 5-7 मिनट में इसको संभालते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, और इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए और 5-5 मिनट में हम इसको देखते रहेंगे। कढ़ाई हमारी एकदम कवर हो जानी चाहिए चारों तरफ से ताकि ये भिंडी अच्छी पके हमारी। हमने पूरी तरह से चारों तरफ से इसको बढ़िया से ढक दिया है, कहीं से भी भाप नहीं निकल रही है। अब हम इसको पकने देंगे और 5-7 मिनट बाद इसको संभाल लेंगे बीच बीच में। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं रखे हुए इसको ढक के, अब मैं इसे संभाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह की बन चुकी, कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। हेलो फ्रेंड, देखिए ये हमारी भिंडी बन चुकी है। कितना अच्छा मतलब कलर आया है इसमें और खाने में बहुत स्वादिष्ट है ये।
आप भी अपने घर पर ट्राई करना, अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि आगे भी बहुत सारे चने बनाए इसके। गर्मियों में तो इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बोरी जो सिंपल जो भिंडी है वो हम रोज़ाना नहीं बना पाते हैं, और इस तरह की जो भिंडी है वो हम कभी कभार बनाएंगे तो हमारा क्या है, खाने में भी मन लगेगा और भूख भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह की सब्ज़ी जो है आप ट्राई करिएगा, अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।